नॉर्थ एम सिटी के नए मेयर राजा इकबाल सिंह ने अपने पहले ही हाउस में सही पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉर्थ एम सिटी के क्षेत्र में गलियों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। ऐसे में पार्षद 50 लाख रुपए जैसी छोटी रकम से अपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य करवा पाते हैं और कैसे करवा पाते हैं, क्योंकि ये विकास कार्य करवाना भी चुनौती है। नॉर्थ एम सिटी के नए मेयर राजा इकबाल सिंह ने कल अपने पहले हाउस में ही सभी निगम पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 लाख रुपए के छोटे से फंड से आखिर पार्षद अपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य करवा पाएंगे। वर्तमान हालातों की बात करें तो 50 लाख रुपए में महज 500 से 600 मीटर लंबी छोटी छोटी गलियों का ना सिर्फ पुनर्निर्माण हो सकता है बल्कि महज एक सार्वजनिक शौचालय को बनवाया जा सकता है। हालात आप देख सकते हैं, इस समय पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में हूँ, क्या कुछ यहाँ पर हालात हैं। गलियाँ जो हैं वेल मेंटेन्ड नहीं हैं। ऐसे में अगर पार्षदों को 50 लाख रुपए का फंड दिया जाता तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने क्षेत्र में कहाँ विकास कार्य करवाएं और कहाँ नहीं, क्योंकि 50 लाख रुपए का फंड ऊंट के मुँह में जीरे के समान होगा। ये जो फंड दिया जा रहा है इसमें जो है गली मोहल्लों के अंदर ये फंड लगना चाहिए। गली मोहल्ले जो टूटे पड़े हैं उनको दोबारा से बनवाया जाए और जो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है या जहाँ जल भराव हो रही है या कुछ है तो उसको ठीक कराया ना। 50 लाख का अगर फंड आएगा तो स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए और गलियां बननी चाहिए। बस हमारे वार्ड में एक शौचालय बनना चाहिए जिसमें महिलाओं की बड़ी दिक्कत है। महिलाओं के लिए शौचालय है नहीं, जैसे CP में बने हुए हैं अच्छे शौचालय, ऐसे ही यहाँ पे भी अच्छे ढंग से शौचालय बनने चाहिए। हमारे क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर अंधेरा है और जो हमारे यूनियन नैम क्षेत्र में वो बिल्कुल बेकार से हो रहे हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक लगा के क्षेत्र में साफ सुथरा यूनियन है, इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भी होने चाहिए। हमारे क्षेत्र में खासकर हमारे क्षेत्र में खासकर जरूरत है, जो कि हमारा क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर 86 से, और हमारे क्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर बनना है जो कि नहीं है, सुविधा नहीं है। कि दिल्ली के विकास के लिए प्रत्येक निगम पार्षद को कम से कम 50 लाख रुपए अभी मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और दो दो वेव आ गई और उस ऊपर से दिल्ली सरकार का असहयोगपूर्ण रवैया, जो उनका शौचालय व्यवहार चल रहा है उसके बावजूद भी हमने अप टू डेट सैलरी करी, अपने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं सबको सैलरी अप टू डेट करी। इसके साथ साथ 50 लाख की घोषणा करी है माननीय महापौर जी ने। देखिए, जो कल ये घोषणा की है ये सिर्फ एक झूठी वाहवाही लूटने के लिए और सिर्फ अखबारों में सुर्खियाँ बनाने के लिए की गई है, ऐसा लगता है। अगर इनको वास्तव में विकास की इतनी चिंता होती क्षेत्र के विकास की तो ये फंड इनको इन्होंने दिसंबर में अनाउंस किया था कि मैं 1 करोड़ रुपये फंड देंगे और आज अगस्त आने वाला है, मतलब 8 महीने हो गए। अब इस फंड जारी करने का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि पहली बात तो चुनाव के सिर्फ 6-7 महीने रह गए। अब आप एस्टीमेट बनवाओगे, आप उसके बाद उसको आगे प्रोसेस करोगे, टेंडर प्रक्रिया में जाओगे, तो इतना लंबा वक्त है कि आपके विकास कार्य हो ही नहीं सकते। नॉर्थ एम सिटी के नए मेयर राजा इकबाल सिंह ने पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा तो सदन में कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है क्या ये फंड पार्षदों को समय रहते मिल पाएगा, और अगर फंड मिला भी तो क्या ठेकेदार विकास कार्यों के लिए टेंडर करेंगे, क्योंकि ठेकेदारों की पेमेंट 2015 से नगर निगम ने नहीं दी है। अनूप शर्मा, ETV भारत, दिल्ली।